एक दफा कहते हम रूम में थे ना तो ये बकरा था क्या कि वही गाली बकरा था। हेडमास्टर खैनी मंगवाता है चरा के लिए भाग रहा था, ये देखा तो इसको दूसरे दिन इस पे गुस्सा उतारने के लिए इसका पकड़ के इसको खो मारा। भागलपुर जिले के गोलाडी प्रखंड के मध्य विद्यालय आनंदपुर में अभी जो वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उस पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र छात्राओं ने यहां तक कह दिया कि प्रधानाध्यापक हम लोगों से खैनी मंगवाते हैं और नहीं लाने पर मारते पीटते हैं और गालियां भी देते हैं। कुछ छात्र छात्राओं ने कहा कि विद्यालय का जो भी सामान चोरी होता है अधिकांश प्रधानाध्यापक ले जाते हैं। कुछ दिन पहले भी 4 लाइट मरकरी लेकर चले गए, कहने पर हम लोगों को मारने लगे। विद्यार्थियों का कहना है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक डस्टर तक विद्यालय में नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए, जिस विद्यालय में चौक डस्टर तक मौजूद नहीं है वहां के छात्र छात्राओं को शिक्षक क्या पढ़ाते होंगे। कई छात्र छात्राओं ने कहा कि खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं है, छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है, 7 साल से भ्रमण के लिए कहीं ले जाया नहीं गया है। अब मुद्दा ये है कि इतने सारे आरोप प्रधानाध्यापक के ऊपर है तो प्रखंड के उच्च अधिकारी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। हेडमास्टर खैनी मंगवाता है, हेडमास्टर खैनी मंगवाता है और चौक डस्टर के लिए पैसा मांगते हो तो चंदा मांगता है, अपने से चंदा करें और खैनी भी मंगवाता है क्या? हमको मार दिया, हमको मारा था, इसको मारा, इसको मारा था, उसको मारा था, चरा के लिए भाग रहा था, ये देखा तो इसको दूसरे दिन इस पे गुस्सा उतारने के लिए इसका कला पकड़ के इसको खूब मारा। कौन सर नाम? गाली बकते हैं? एक दफा कहते हम रूम में थे ना तो ये बक रहा था क्या कि वही गाली बक रहा था। पैसा मिला है? नहीं मिला है पैसा। खेलने का सामान मिला है तुम लोग को? पैसा उसा मिला है? कुछ नहीं मिला है। ये प्रधानाध्यापक जब से आए तब से खेलने का सामान नहीं मिला कि पहले भी नहीं था? पहले भी सामान नहीं था। पहला क्लास से पढ़ रहे हो, 7 साल से, तो कभी देखे हो 8-7 वाले को यहाँ से घुमाने के लिए लेके गया है भ्रमण के लिए? भ्रमण के लिए कभी 7 साल में कभी नहीं लेके गया है। आप एक स्कूल के पूरे हेड है, यहाँ के सारे टीचर सारे बच्चे आपके अंदर है। अगर आप स्कूल में किसी को भी गाली दीजिएगा बच्चे सुनेंगे तो उसका तो दुष्प्रभाव होगा सर। हम तो वहाँ गेट पर जाकर? नहीं सर, इसका दुष्प्रभाव होगा सर। नहीं नहीं, हम गाली हम दूसरे को क्यों, हम अपने बच्चे को ये कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे, स्कूल में तो सब आप ही का बच्चा है। ये हम अपने, वो जो फोन किया कि पापा हमको पैसा चाहिए। हाँ। तो पैसा चाहिए तो वो बार बार पैसा मांगे। हाँ, तो स्कूल में आपके मुँह से गाली निकला था? अरे मुँह से निकला था वहाँ गेट पर, उधर के गेट के बाहर का सामान है बच्चे का, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, पहले से नहीं है वो तो। बाहरी जितने भी आए थे सब बाहरी से, सारा चीज तो मैं इंतजाम किया ना। और छोड़ो तो चुनाव की बात है, विद्यार्थी के लिए क्या किया? विद्यार्थी के लिए कुछ अभी है हमारे ख्याल से आया नहीं है जो हम विद्यार्थी को। आप यहाँ कितना दिन से टीचर के तौर पे कार्यरत था? हम तकरीबन 4 साल को यहाँ आए हैं। 4 साल में एक भी बार? 4 साल को हम यहाँ ट्रांसफर कराते दूसरे जगह 2007 में। नहीं।